हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लीज पेटेंट। तो सीयूटी के फॉर्म तो आ रखे हैं, दे आर ऑन गोइंग। तो हम सीयूटी के थ्रू ही जो आईसीएआर है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसमें जो एग्रीकल्चर साइंसेज के कोर्सेज हैं उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो और दूसरे एलाइड कोर्सेज हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर उसमें भी ले सकते हैं हम एडमिशन। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सीयूटी। उन यूनिवर्सिटीज में कितनी कितनी सीटें हैं एंड एवरीथिंग दैट यू मस्ट नो बिफोर फिलिंग द फॉर्म फॉर द आईसीएआर। सो पहले आईसीएआर का अलग एग्जाम होता था, तो उसमें जो बीएससी एग्रीकल्चर और दूसरे जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए होता था ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो अंडर द आईसीएआर सिस्टम टोटल 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें 63 है स्टेट यूनिवर्सिटीज और बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक आईएआरआई, आईबीआरआई, एनडीआरआई, सीआईएफई। इसके अलावा सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इम्फाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा, आईएलबी सीएयू झांसी, बीएचयू एएमयू, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटीज। ये सब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर भी जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं दे आर अवेलेबल। सो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की 20% सीट जो हैं ये भरी जाएंगी सीयूटी के थ्रू। इसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो 100% सीट्स हैं वो भरी जाएंगी सीयूटी के थ्रू। जो स्टेट की 80% सीट्स बची हुई हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके अलग से एग्जाम होंगे, 80% सीट्स उससे भरी जाएंगी। सो आप देख सकते हैं 20% जो यूनिवर्सिटी सीट है फॉर द स्टेट ये भरी जाएंगी सीयूटी आईसीआर के एग्जाम के थ्रू। इसके अलावा जो 100% सीट्स हैं फॉर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स वो भरी जाएंगी थ्रू द सीयूटी। सो आईसीआर में आपको कौन कौन से प्रोग्राम्स करने को मिलेंगे, सो टोटल 12 डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको यहाँ पर करने को मिल जाएंगे और उनकी लिस्ट इस प्रकार से है: बैचलर्स इन एग्रीकल्चर, बैचलर्स इन हॉर्टिकल्चर, बैचलर्स इन फिशरी साइंसेज, बैचलर्स इन फॉरेस्ट्री, बैचलर्स इन कम्युनिटी साइंस, बैचलर्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, बैचलर्स इन सेरिकल्चर, बैचलर्स इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन डेयरी टेक्नोलॉजी और वी कैन से बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग। यूनिवर्सिटी वाइज जो सीटें हैं उसको देखेंगे हम लास्ट में। कलर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है वो जो सीयूटी की डेट्स हैं, सीयूटी की डेट्स के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन वो रहने वाला है। सो आप 27 तारीख से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं और 26 मार्च तक इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड होने वाली है, वो एक्सटेंड हो जाएगी, मगर फिर भी आप फॉर्म फिलिंग करके रखें। जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 28 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में और एडमिट कार्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन उसकी डिटेल्स भी आई नहीं है, जब आएंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो कैंडिडेट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका जो ओबीसी है वो सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा फॉर दिस यूनिवर्सिटीज। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो हमने देखे थे टोटल 12 प्रोग्राम्स, तो ये सारी लिस्ट दे रखी है 12 प्रोग्राम्स की। सो टोटल 12 प्रोग्राम्स में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो या तो आपके पास पीसीबी का कॉम्बिनेशन हो, या आपके पास पीसीएम का कॉम्बिनेशन हो, या आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर इनका कॉम्बिनेशन हो। तो अगर आपके पास ये तीनों कॉम्बिनेशन है तो आप ले सकते हैं इन सभी कोर्सेज में एडमिशन। सो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन के लिए सिर्फ यही तीन सब्जेक्ट के डोमेन्स जो है ये चाहिए होंगे, मगर सीयूटी में जनरल टेस्ट भी अवेलेबल है और एक लैंग्वेज भी अवेलेबल है। सो अगर आप देना चाहें तो जनरल टेस्ट और लैंग्वेज इनके टेस्ट भी दे सकते हैं ताकि आपको जो फील्ड ऑफ स्कोप है वो बढ़ जाए। इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा कि आपके जो 12th क्लास है उसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा जो 40% मार्क्स है वो होने चाहिए फॉर द एससी एसटी कैटेगरी, तभी आप एलिजिबल होंगे फॉर काउंसलिंग। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस की तो उसके लिए एक वीडियो बना रखा है, मैं उसको लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे करना है पूरा प्रोसेस। एक बार जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा और जो ऑनलाइन काउंसलिंग है उसके लिए जो वेबसाइट है दैट इज www.icar.org.in, यहाँ पर आपको काउंसलिंग फिल करनी है, उसके बाद इस साइट पे काउंसलिंग होगी और यहीं से होगा सीट अलॉटमेंट। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी वाइज कितनी कितनी सीट अवेलेबल है किस किस कोर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। सो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट है दैट इज आचार्य एनजी रांगा गुंटूर में है ये, और इसमें आईसीआर कोटा की 146 सीट्स हैं जिसमें से 15 सीट्स ईडब्ल्यूएस की हैं। इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज जो कि अयोध्या में है, इसमें आईसीआर की 31 सीट्स हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 8 सीट्स है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा 12 सीट्स है। ये सब स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें स्टेट एग्जाम भी होगा जो बाकी बची हुई सीटें वहां पर एडमिशन के लिए। इसके अलावा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 74 सीट्स है, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी 22 सीट्स है, बीसी चंद कृषि विश्वविद्यालय 30 सीट्स है, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी 90 सीट्स है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में 26 सीट्स, सीसीएस में 39 सीट्स, सीएसए में 22 सीट्स, हिमाचल कृषि विश्वविद्यालय 25 सीट्स,
डॉक्टर बाला साहेब सावंत कोंकण कृषि यूनिवर्सिटी 24 सीट्स, पंजाबराव देशमुख में 78 सीट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में 90 सीट्स। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज के नाम और उसमें जो अवेलेबल सीट्स हैं उसको लाइनवाइज देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें किस किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। तो ये सारी हमारी चली आ रही है बीएससी एग्रीकल्चर की सीट्स। ये बाकी बची हुई सम मोर, सो हमने यहां पर जो सीट्स देखी हैं जितनी भी यहां पर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटिंग है, अगर उन सभी सीट्स का हम टोटल कर दें तो आईसीआर के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर में जो टोटल सीट्स अवेलेबल होती है वो है, इसके अलावा अगर बात करें बीएससी हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम की तो उसमें देख सकते हैं आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं और कितनी कितनी सीट्स वहां पर अवेलेबल हैं। सो मैं स्क्रॉल करता जाता हूं, सो आप इसको पॉज करके और पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर और कितनी कितनी सीट्स वहां पर अवेलेबल हैं फॉर ईच कोर्स। सो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर कर रही हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर। यहां से अगर हम टोटल कर लें तो टोटल सीट्स का जो काउंट पहुंचता है वो पहुंचता है बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंसेस। तो बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस के जो कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करता चाहता हूं आप इसको देखते जाएं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और वहां पर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। कुछ कुछ सीट में यूनिवर्सिटी जो है वहां पर सीट जीरो शो कर रही है, मगर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग वहां पर सीट्स आ जाएंगी क्योंकि यहां पर अभी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो डेटा है वो एनटीयू को अभी प्रोवाइड नहीं कराया गया है, इसलिए यहां पर ये जीरो लिखा हुआ आ रहा है, मगर जब एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यहां पर सीट्स आ जाएंगी। फिर बात करें बीएससी फॉरेस्ट्री की, तो बीएससी फॉरेस्ट्री के कोर्सेज यहां देख सकते हैं आप कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है कोर्स इन द बीएससी फॉरेस्ट्री। सो यहां तक है बीएससी फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट बात करें फिफ्थ कोर्स की बीएससी कम्युनिटी साइंस, सो ये है कोर्सेज बीएससी कम्युनिटी साइंस के, द यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग दीज कोर्सेज। सो दीज आर फॉर द कम्युनिटी साइंस। अगर बात करें बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, तो ये रहे कोर्सेज और ये रही हमारे पास उनकी यूनिवर्सिटीज एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रेजेंट इन देम। बात करें बीएससी सेरिकल्चर की, तो सेरिकल्चर में आपको दो इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे और तीन इंस्टीट्यूट, एक में भी सीट आई नहीं है। सो ये हैं जो सेरिकल्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द आईसीआर। अगर बात करें बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो ये रहे हमारे पास उनके कॉलेजेस और साथ में लिखी हुई है उनकी सीट्स। सो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में कितनी कितनी सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसको सेट कर सकते हैं कि बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, तो ये रहे उसके इंस्टीट्यूट जो ऑफर कर रहे हैं बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी। बाकी इंस्टीट्यूट वाइज फीस कितनी है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की फीस जाननी है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, दिस इज बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो सारे इंस्टीट्यूट से जो ऑफर कर रहे हैं बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड द नंबर ऑफ सीट्स दे आर ऑफरिंग। दिस इज फॉर द बीटेक फूड टेक्नोलॉजी। अगर बात करें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूट की लिस्ट है विच आर ऑफरिंग बीटेक। लास्ट अगर देखें हम बीएससी इन नेचुरल फार्मिंग, तो ये हमारे पास लिस्ट है जो ऑफर कर रहे हैं बीएससी नेचुरल फार्मिंग में। इस तरह से हमने देख लिए टोटल यूनिवर्सिटीज जो कि ऑफर कर रही हैं एडमिशन इन एग्रीकल्चर साइंसेस एंड एलाइड कोर्सेज। टोटल 74 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर कर रही हैं इसमें सीट्स विद द सीयूटी एग्जाम। बाकी जो डिटेल्स है काउंसलिंग की वो तो आएंगी बाद में, मगर फिलहाल तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल कर देना है। उसमें जो डोमेन्स रखने हैं आपको वो या तो आप पीसीबी रख सकते हैं या पीसीएम रख सकते हैं या पीसीए रख सकते हैं, इनमें से कोई सा भी डोमेन्स आप चुन सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट है और जो इंग्लिश है उसको भी आप दे सकते हैं ताकि आपका जो स्कोप है वो बढ़ जाए। सो इस जानकारी अबाउट द बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज अंडर द आईसीआर फॉर ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ऐसे ही डिफरेंट इंटरेस्टिंग कोर्सेज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द ब्लू रिपीटेंट को। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए इंस्टीट्यूट के साथ, तब तक के लिए कीप फोकसिंग, कीप स्टडिंग।